अरे मुसलमानों, अपनी जानों माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा बच्चा बार ते आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या हादिम हुसैन रजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण मेरी मदद फरमाओ, एक कतल नहीं करना। दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने ने इंशाल्लाह, इसी से मारा है इंशाल्लाह, तमाम गुस्ताखो को मार डालेंगे। जो मुसलमान को गाली दे रहा था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की बरकत से मैंने को मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के तक पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह। एक कत्ल नहीं करना, लाशें बिछा देंगे। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला करने के बाद आरोपी ने वीडियो जारी कर जो कहा उसे सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। आपको पूरा वीडियो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मामला जान लीजिए। दरअसल आरोप है कि प्रयागराज के सिविल लाइन से करछना जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा में यात्रा कर रहे इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी और बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा के बीच बस के किराए को लेकर विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश पर धारदार चापर से हमला कर दिया। इस हमले में बस कंडक्टर की गर्दन और हाथ में चोट आई है और बस में मानो अफरा तफरी मच गई। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही बस प्रयागराज नैनी के इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट पर पहुंची, उसी वक्त लारेब हाशमी ने कंडक्टर पर हमला कर दिया और जमात अभी जिंदा है अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए वहां से फरार हो गया। दावा है कि आरोपी ने हमला करने के बाद ये वीडियो जारी किया और अब वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के तक पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूलल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। वो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अंतरी मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जानो माली से तो आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासा दबार आ रहे ने हुजूर दे गुलाम, तेनू बताने तू बचते सही, तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या हादिम हुसैन रजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। हुण मेरी मदद फरमाओ, एक कतल नहीं करना। दुश्मन इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने ने इंशाल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी से मारा है इंशाल्लाह, तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे। इस हमले के बाद आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया। पुलिस की माने तो जब पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई और पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारेब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मार कर घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहाँ ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो एनकाउंटर के बाद पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और जांच में जुट गई है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।